सारे मेरे वालों निर्माता साहित जय भीम जय भारत। साथियों अज असी इत्थे इकट्ठे होए हाँ, ये अज कोई नवा काम नहीं है। 70 साल हो गए सानू आजाद होया नू, पर आजादी किते नेड़े तेड़े भी देखण नू नहीं मिलती। क्यों नहीं मिलती? क्योंकि ये जड़ी ब्राह्मणवादी सोच, ये घटिया सरकार बीजेपी की सरकार, जो साडे समाज की सब तो वड्डी दुश्मन है। इस सरकार ने जदों जदों भी ये सरकार बनी, इन्हें साडे उत्ते अत्याचार किए, जुल्म किए। बाबा साहब डॉक्टर बी आर अंबेडकर जी ने सारी जिंदगी जड़ी हैगी साडी सोच दे लई, साडे लई अपने आप नू दा दे ला दिता कि असी लोग जड़े हैगे आ तरक्की करिए। बाबा साहब ने संविधान इस करके सानू दिता सी कि मेरे समाज के जो लोग है वह इस देश के उत्ते सदियों तो जो गुलामी के दौर निकल रहे हैं, वह अपना राज भाग लैन। बाबा साहब ने लिखा सी कि तुसी जाके अपने घर दीआं दीवारां दे उत्ते लिख लो कि तुसी इस देश दे शासक हो, तुसी हुक्मरान बनना। पर अफसोस असी गुलाम ही बन के रह गए। आपां देखदे आं कि जदों दी बीजेपी सरकार सेंटर दे विच आई आ, पिछले 5 सालां तो साढ़े जिन्ने भी लोग है लताड़े हुए लोग, किन्ने जुल्म होए। 2 अप्रैल नूं भारत बंद होया क्योंकि संविधान नाल छेड़छाड़, जो दुनिया भर दे साडे साथी साडे विच आ चुके हन। आपां सारे जो इन्हां दा हौसला विसाई करिए। मुर्दाबाद मुर्दाबाद जिन्हें भी मिशनरी भी इतने पहुंचे हैं, उन्होंने इतने पहुंचने सारे का असी तह दिलों धन्यवाद करते हैं कि जड़े अपनी जिम्मेवारी समझते हुए इतने पहुंचे हैं। और असी बाकी दे समाज में भी यह बेनती करते हैं, अपील करते हैं कि भाई हुण सौण का टाइम नहीं है, असी सदियों तो सुते पे हाँ, जाग जाओ। अगर ये डाकू लोग, ये बीजेपी की सरकार, ये घटिया सरकार जो करतूतां कर रही है, जेकर असी सुते रहे तो इन्होंने सानू सदा लई सुला देना है। इस करके सारे समाज में यह बेनती है कि उठ जाओ, टुट के पै जाओ तो लुट के लै जाओ। ये जड़े घटिया किस्म की सरकार, ये जो आर्य देश तो आए हुए लोग जिन्होंने साडे भारत देश नूं अज तक भी गुलाम बना के रखिया होया, मैं कहूँगा कि 2019 दे विच इन्हां दा मूँह काला कर दईए। क्योंकि 70 साल हो गए असी लोगों नूं वोटां पा रहे हैं, लोगों नूं जे असी अपनी सरकार लै आईए तो साडा अपना राज होएगा, अपना कानून होएगा, किसी कोलों डरन की लोड़ नहीं है। इस करके मैं सारे वीरां नूं इह अपील करूँगा कि जिन्हें भी मेरे वीर हैं ये सारे घरों घरी फैल जाओ, घरे घरे जाके सबनों सुनेहा लाओ कि भाई आप सुते पे हैं, बहुत टाइम हो गया, उठ के जाग पो, हुण सौण का टाइम नहीं है, इलैक्शन सिर ते आ गया। इस घटिया सरकार ने इतों तक घटियापन की हरकतों की हद कर दिती। आप सारे जानते हैं कि जो साडे देश के रक्षक साडे फौजी वीर इस नरेंद्र मोदी ने किन्नी घटिया चाल खेडी, घर के घर बर्बाद कर दिते। पुलवामा दे विच
जो हमला होया एक क्लियर हो गया, साबित हो गया कि इस घटिया महामारी सोच वाले प्रधानमंत्री ने करवाया। मैं सारे नू हाथ जोड़ के बेनती करूंगा कि भाई टाइम नहीं है, आपां नू सारे नू पता भी इलेक्शन सिर ते आ गया, आपां नू पिछले 5 सालों तो आप रौला पाए आ रहे हैं कि मिशन 2019 मिशन 2019, पर इस मिशन नू फतेह किदा करना। जड़ी ईवीएम मशीन है इहदा भी आपां नू डट के विरोध करना पैना। होर देखो इस घटिया सरकार की सोच, जड़ा आरक्षण है 85% लोगों नू सिर्फ 49% है, मन लिया जावे कि 85% बंदियां नू रोटी खाण नू दित्ती किन्नी, सिर्फ 49%, और जड़े 15% है उन्हां नू 50%, मतलब की बनता कि उन्हां दे ऐसे 3-3 रोटियां साढ़े अद्धी भी नहीं, और उहदे विचों भी इन्हां ने एडा वड्डा डाका मारता 10% साडा आरक्षण खत्म कर दिता। बाबा साहब डॉक्टर B.R. अंबेडकर जी ने, मैं दसना चाहूँगा सारे वीरां नू जरा ध्यान दिओ कि संविधान दे संविधानिक हक अपने कड़े सी, 3 ताकतां इहो जिहियां सीगियां। सब तो पहली सी आरक्षण दी, आरक्षण दे विच साडे बच्चे पढ़ लिख सकते सी, सानू बहुत सारियां सहूलतां सी, जिहदे विच इह मनुवादी सरकार ने घटिया सरकार ने अपनी करतूत दिखाई और उन्होंने आरक्षण के उत्ते हमला बोलिया। आपां जाणदे आं कि आरक्षण के नाल की कुछ होया, किन्नी छेड़छाड़ हुई। दूसरा अपने लोगों के कोल सी SC ST एक्ट कि जे सानू कोई अपमानित करता तो उहदे उत्ते जिहड़ा है तुरंत FIR हुंदी। आपां सारिआं ने योगदान दिता 2 अप्रैल नूं जदों भारत बंद होया, उह की सी, ਉਹ ਇੱਕ ਘਟੀਆ ਸੋਚ ਦੀ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜੋ ਜੱਜ ਸੀ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ SC ST ਐਕਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਜਲੀਲ ਕਰ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕੋਲੇ ਜਾਈਏ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਲਈ, ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰੇ ਗੱਲ ਹੋਈ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਜਿੰਨੇ ਮੇਰੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਵੀਰ ਖੜੇ ਆ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਖਾਕੀ ਰੰਗ ਦੀ ਖੱਲ ਚੜੀ ਹੋਈ ਆ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆ, ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਕਹੂਗੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪਊ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਆ। ਔਰ ਤੀਸਰਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੀ ਮਤਦਾਨ ਬੋਰਡ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਜੋ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਅਕਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਲਾਸਟ ਰਹਿ ਗਿਆ, 2 ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਬੋਲ ਚੁੱਕਿਆ, ਤੀਜਾ ਸਾਡਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸਿਰਫ ਮਤਦਾਨ। ਅਗਰ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੇ ਉਹ EVM ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਛੇੜਛਾੜ ਦੇ ਨਾਲ, ਚਾਹੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਗਲਤੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਗਰ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਗਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਦੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਹੋਇਆ, ਸਾਡੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਬਲਾਤਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਉਂ ਜੁਰਮ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ? ਇਹ 15% ਆ, ਅਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਆ ਕੈਬ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੈਬ ਸਿਰਫ ਢੱਕਣ ਦੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਸ ਕੈਬ ਦੇ ਨਾਲ ਚਿੰਬੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਆਪਣੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਆ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਜਾਗ ਜਾਓ, ਸਮਾਂ ਬੜਾ ਨਾਜ਼ੁਕ ਆ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਦਿਲੋਂ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ ਔਰ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਆ। ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਵੈਲਕਮ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਵੀਰੋ ਆਪਣੇ ਨਾਲ 2-2, 4-4 ਬੰਦੇ ਜੋੜੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਓ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਹਾਂ, ਇਹ ਬਾਹਮਣਵਾਦੀ ਲੋਕ ਕੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਕੇ ਗਏ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ DNA ਵੀ ਚੈੱਕ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰੋਂ ਲੋਕ ਆਏ ਹੋਏ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰ ਮਰਜ਼ੀ DNA ਚੈੱਕ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਹਰਾਮ ਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਖਾਂਦੇ ਸਾਡਾ ਪਰ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਜੁਰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ ਘਰ ਘਰ ਪਹੁੰਚੋ, ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰੋ, ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਲਿਆਓ। 2019 ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਿਰ ਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਗਰ ਫਤਿਹ ਕਰ ਗਏ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ
साडा जन्म सुहेला हो जाऊगा, लोग सुखी परलोक सुहेला। अगर साड़ी सरकार आ गई, साड़ी सरकार होगी, अब मेरे वीर खड़े आ, ये खाखी रंग की जी वर्दी इन्हों सिर के उत्ते ना खल, वो भी साड़ी होएगी, जो असी कहेंगे इन्हों करना पेगा। सारे जय गुरदेव, धन गुरदेव, जय भीम, जय भारती।